सो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। ठीक है, तो पहले चीज़ ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता क्या है, उससे पहले हम सीखते हैं डोमेन और रेंज। किसी इक्वेशन में अगर जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं वो डोमेन कहलाता है, और जो वैल्यू हमको मिलती है वो क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। जैसे आपको दिया है वाई इज इक्वल टू एक्स, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो जो सब्स्टिट्यूट करेंगे वो डोमेन, और जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। अ फंक्शन इज सेट टू बी इनवर्स ऑफ इफ डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू द रेंज ऑफ f। जैसे y इज इक्वल टू fx दिया गया है, तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो x हमारे लिए क्या हो जाएगा, डोमेन, और y क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा। अब इसी को रिवर्स कर देते हैं, f इधर लेके चले जाते हैं, तो f इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है, f इनवर्स y इज इक्वल टू x। अब क्या x की वैल्यू पुट करेंगे हम, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y डोमेन हो जाएगा। तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y हमारे लिए डोमेन हो जाएगा, और x हमको मिलेगा तो x हमारे लिए क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो इस कॉल्ड द इनवर्स फंक्शन इफ एंड ओनली इफ फंक्शन इज 1 1 एंड आन टू। अगर फंक्शन 1 1 है, ठीक है, और आन टू है। 1 1 का मतलब x की वैल्यू रखेंगे तो y की एक वैल्यू मिलेगी, तो ये हो जाएगा 1 1। जैसे 2 रखा तो 3 मिल गया, 3 रखा तो 4 मिल गया, तो ये 1 1 कहलाएगा। आन टू का मतलब जो हमको मिला है अगर वो फंक्शन में रखें तो x की वैल्यू मिल जाए, तो ये आन टू कहलाता है। तो फंक्शन अगर 1 1 और आन टू है तो वो इनवर्स फंक्शन कहलाएगा। अब पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की बात करते हैं। जैसे साइन थीटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो साइन की जो रेंज वैल्यू होती है वो होती है -1 से 1। अगर साइन 90 की वैल्यू रखेंगे तो 1 आ जाएगा, साइन -90 की रखेंगे मतलब -π/2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो ये एक पीरियडिक फंक्शन होता है और पीरियड के अंदर में चलता है, इसीलिए इसकी डोमेन और रेंज को हम फाइंड कर सकते हैं। कॉस थीटा का जो डोमेन होता है वो 0 से लेकर π होता है। 0 रखने पर वैल्यू क्या नाम है, आपको 1 मिल जाएगी, और पाई रखने पर -1 मिल जाएगी। तो ये डोमेन कहलाएगा और रेंज कहलाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में -90 से +90 चलता है और सारे रियल वैल्यूज लिखे जाते हैं। तो इस तरह डोमेन फंक्शन को समझाने के लिए मैं एक आपको ग्राफ समझा रहा हूँ कि मान लिया जाए कि आपके पास साइन के ग्राफ से समझते हैं कि किस तरह से डोमेन और रेंज उसकी निकाली जाती है। साइन का ग्राफ बनाने के लिए एक हमने रियल नंबर बनाया है, उस पर 0, π/2, π, 3π/2, 2π तक क्यों लिया है, 360 में वो पीरियडिक फंक्शन करता है। 0 पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 0। 90 पर वैल्यू क्या हो जाती है, 1। पाई पर वैल्यू 0 होती है। 3π/2 पर वैल्यू -1 हो जाती है, फिर 2π पर 0 हो जाती है। देखिए, एक पीरियडिक में चलता है, हमेशा 1 और -1 के बीच में ही रहेगा। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, रेंज वैल्यू कहलाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि डोमेन और रेंज सारे फंक्शन का याद होना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू में ही आंसर फाइंड किया जाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए उसका डोमेन और रेंज आपको पता होना चाहिए। ओके, तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं। साइन इनवर्स के साथ अगर साइन थीटा लिखा हुआ है तो इनवर्स फंक्शन, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ऑपरेटर है, थीटा बच जाएगा। लेकिन ये तभी होगा जब थीटा किस में हो, प्रिंसिपल वैल्यू में हो, रेंज में हो। कॉस इनवर्स कॉस थीटा है तो तभी कॉस से कॉस इनवर्स कट जाएगा, टैन इनवर्स से टैन कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बचेगा, कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल हो जाता है, सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाता है, कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो जाता है। तो याद कर लेना आपको, इसका रेसिप्रोकल भी चल जाएगा, जैसे साइन से साइन इनवर्स भी कैंसिल हो जाएगा, थीटा बचेगा, लेकिन वो रेंज वैल्यू में होना चाहिए। दूसरा जो फार्मूला है हमारे पास, साइन अगर निगेटिव में है तो क्या हो जाएगा, माइनस, साइन का माइनस क्या होता है, आगे आता है, माइनस साइन थीटा लगता है। लेकिन कॉस में माइनस आगे नहीं आता, ये आपने पढ़ा था 11th में। कॉस माइनस थीटा होता है तो कॉस थीटा हो जाता है, टेन माइनस में है तो माइनस आगे आ जाएगा। अब यही चीज़ इनवर्स फंक्शन में अगर हम देखें तो साइन इनवर्स माइनस थीटा है तो माइनस आगे आ जाएगा, लेकिन कॉस इनवर्स माइनस थीटा है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हो जाएगा। ये आपको याद रखने ना यहाँ पर, कि अगर कहीं कॉस माइनस में आता है तो पाई माइनस हो जाएगा, टेन माइनस में है तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा, कॉट माइनस में है तो पाई माइनस, कॉट में कॉस आता है ना, तो कॉट इनवर्स माइनस थीटा है तो पाई माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, सेक माइनस थीटा है तो पाई माइनस सेक थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले को कॉपी में लिखने हैं, याद कर लेने हैं। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम लोग पहले एक्सरसाइज में। अब हम लोग चेक करते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन किस तरीके से लगाएंगे। अब देख लेते हैं कि उसका डोमेन और फंक्शन कैसे याद करेंगे। अगर इनवर्स फंक्शन है तो साइन इनवर्स एक्स लिखा जाएगा, माइनस वन जो ऊपर लिखते हैं उसको इनवर्स कहते हैं। तो साइन थीटा इजिकल टू एक्स था, देन थीटा इजिकल टू साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, अगर कॉस को इधर लेके आएंगे तो कॉस थीटा इजिकल टू एक्स हो जाएगा। ऐसे टैन इनवर्स एक्स लिखा है, टैन इधर लाएंगे तो टैन थीटा इजिकल टू एक्स हो जाएगा। तो इनवर्स फंक्शन में डोमेन चेंज हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा माइनस वन से लेके वन तक, और इसकी रेंज हो जाएगी -π/2 से +1। मैंने बताया था ना कि इनवर्स करने पर डोमेन और रेंज चेंज हो जाते हैं। कॉस इनवर्स एक्स है तो -1 से लेके 1 तक हो जाएगा डोमेन, -1 रखेंगे तो वैल्यू पाई मिल जाएगी, 1 रखेंगे तो 0 मिल जाएगी। ऐसे टैन में भी, तो ये साइन कॉस टैन का डोमेन रेंज आपको याद रखना है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू लाई बिटवीन इट्स डोमेन। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमेशा उसका डोमेन आपको पता होना चाहिए।
चूंकि वो इनवर्स फंक्शन कहलाता है, इसलिए साइन इनवर्स को साइन थीटा के साथ अगर लिखते हैं तो इनवर्स। अब देख लेते हैं, एक तरह का एग्जांपल चेक करते हैं। दिया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू, कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉस इनवर्स रूट थ्री बाई टू की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम उसकी वैल्यू को मान लेते हैं क्या, एक्स। अगर इनवर्स को इधर लेके आएंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, और रूट थ्री बाई टू की वैल्यू कॉस में कितनी होती है, कॉस थर्टी की वैल्यू होती है, तो कॉस पाई बाई सिक्स। तीन थर्टी को अगर रेडियन में लिखेंगे तो पाई बाई सिक्स लिखा जाएगा। अब कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई सिक्स। तो ये सिंपल तरीका है, वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। कॉस इनवर्स माइनस वन बाई रूट टू दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो इसमें भी कॉस इनवर्स में अगर माइनस है, तो मैंने भी फार्मूला आपको बताया था कि कॉस माइनस थीटा में पाई माइनस कॉस इनवर्स होता है, अगर हम माइनस को हटाना चाहेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स वन बाई रूट टू। अब वन बाई रूट टू कॉस में कितना होता है, कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू होती है, कॉस 45 की डिग्री होती है वन बाई रूट टू, तो वन बाई रूट टू की कॉस 45। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा, पहला फार्मूला लगाया हमने, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, कितना बच गया, पाई बाई फोर। तो पाई माइनस पाई बाई फोर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, थ्री पाई बाई फोर। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में लगाने हैं। तो एक टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसे दिया है, टेन इनवर्स टेन सेवन पाई बाई सिक्स, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो यहाँ पर टेन इनवर्स टेन सेवन पाई बाई सिक्स दिया गया है, ये पाई से ग्रेटर है वैल्यू, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो पाई से ग्रेटर होगी, और टेन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक ही होता है। तो इसका मतलब इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, तो सेवन पाई बाई सिक्स को हमने तोड़ दिया पाई प्लस पाई बाई सिक्स, इसीलिए डोमेन और रेंज याद करना पड़ेगा आपको, तो पाई प्लस पाई बाई सिक्स में तोड़ देंगे। अब टेन 180 में चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो चेंज नहीं होगा तो टेन पाई बाई सिक्स हो जाएगा, पाई प्लस में है तो ये थर्ड क्वारिनेट में आएगा जिसमें टेन पॉजिटिव होता है, तो टेन इनवर्स टेन पाई बाई सिक्स हो जाएगा। अब हम फार्मूला लगा देंगे, टेन इनवर्स से टेन क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, कितना बच जाएगा, पाई बाई सिक्स, बाई यूजिंग द फार्मूला टेन इनवर्स टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। थर्ड क्वारिनेट में टेन क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू, पाई बाई सिक्स, जो लाई करेगा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है ये। ओके, सो डू द रिमेनिंग क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, आज हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल की प्रॉपर्टीज क्या है। पहली प्रॉपर्टी ये है रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी। जैसे हम जानते हैं कि कोसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, लेकिन अगर कोसेक इनवर्स है तो साइन इनवर्स वन बाई एक्स, मतलब जो एंगल दिया है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ऐसे सेक इनवर्स है तो कोसेक इनवर्स वन बाई एक्स हो जाएगा, कॉट इनवर्स है तो वो टैन। अब दूसरा फार्मूला चलते हैं, साइन इनवर्स को ले सकते हैं, कॉस इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, या ट्रायंगल बना के भी लगा सकते हैं। कॉस इनवर्स को लिखेंगे साइन इनवर्स अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं, कॉस को साइन में चेंज कर सकते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का, ये होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अगर माइनस दिया है तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट वन माइनस स्क्वायर और अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। कॉस में अपोजिट चलता है, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ पर माइनस आ जाता है, अगर फार्मूले में माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। थ्री साइन इनवर्स का साइन थ्री थीटा का फार्मूला यूज करते हैं, थ्री साइन इनवर्स को लिखते हैं साइन इनवर्स थ्री एक्स माइनस फोर एक्स क्यूब, या थ्री कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स हो जाएगा, थ्री टैन इनवर्स है तो टैन इनवर्स थ्री एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आएगा। तो इस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन को हम लगाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। पहला है टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई का फार्मूला। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये कंडीशन तब लगेगी जब एक्स वाई की वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर लेस देन वन हो। और पाई माइनस टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई कब लिखेंगे, जब एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो। जैसे यहाँ पर एक्स की वैल्यू थ्री दे दिया, वाई की वैल्यू टू दे दिया, थ्री टू कितना हो गया, सिक्स। सिक्स क्या है, ग्रेटर देन वन है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया है वन बाई टू वन बाई थ्री दिया है तो पहला वाला फॉर्मूला लग जाएगा वहाँ पर। अगर माइनस है टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई है तो ऊपर माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। दूसरा आपका फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स। सो स्टूडेंट, सेकंड प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। अगर एंगल सेम है और साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स है तो पाई बाई टू हो जाएगा। ऐसे सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स अगर एंगल सेम है तो भी पाई बाई टू हो जाएगा। टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू हो जाएगा। अब एक प्रूविंग देख लेते हैं कैसे करेंगे। टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स इज इक्वल टू पाई बाई टू, इसको प्रूव करना है। हम मान लेते हैं कि टैन इनवर्स एक्स क्या है, वाई है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टैन वाई। तो x इज इक्वल टू टैन वाई को लिख सकते हैं कॉट पाई बाई टू माइनस वाई,
कॉट को इधर लाएंगे तो कॉट इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस वाई। टैन इनवर्स एक्स आपका वाई हो गया और कॉट इनवर्स एक्स क्या हो गया, पाई बाई टू माइनस वाई। दोनों को ऐड कर दें तो टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई टू। और ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। अब क्वेश्चन देख लेते हैं आईटीएफ का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन टू। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आ सकता है। तो चूंकि साइन की जो वैल्यू होती है वो माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू के बीच में होती है, मतलब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 1.57 और 1.57 के बीच में हो जाएगी, ठीक है। तो ये रेंज में नहीं है, पहली चीज़ टू, तो रेंज में नहीं तो रेंज में बनाएंगे। साइन पाई माइनस एक्स जो होता है वो साइन एक्स हो जाता है, तो साइन पाई माइनस टू क्या हो जाएगा, साइन टू हो जाएगा। तो साइन टू के जगह पर हम लिख देंगे साइन पाई माइनस टू, तो साइन से साइन कट जाएगा तो पाई माइनस टू आपका बच जाएगा। अब पाई माइनस टू की वैल्यू अगर हम देखें तो 1.141 आ जाता है, वो रेंज में हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1.414। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं, ठीक है। वहाँ पर प्रूफ करना है टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस टेन इनवर्स एक्स। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, क्योंकि प्रूफ करना है तो लेफ्ट और राइट लेके चलना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड राइट में एक्स इक्वल टू टेन थीटा पुट कर देंगे, तो टेन इनवर्स 1 प्लस टेन थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा। इसका फार्मूला 1 की जगह पर टेन पाई बाई 4 रख देंगे, टेन ए प्लस टेन बी अपान 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस बी का फार्मूला हो जाता है। टेन इनवर्स से टेन कट जाएगा, पाई बाई 4 प्लस थीटा बच जाएगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ पर हमने एक्स को टेन थीटा माना था और टेन इधर लाएंगे तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। प्रूव करना है यहाँ पर साइन कॉट इनवर्स कॉस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर प्लस 1 अपान स्क्वायर प्लस 2। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ऐसे क्वेश्चनों में अगर जिसमें साइन कॉस टैन दिया तो सबसे लास्ट वाली वैल्यू से चलेंगे। लास्ट वाली वैल्यू में देखिए टैन इनवर्स एक्स दिया गया है, आगे कॉस है, तो अगर ये कॉस इनवर्स हो जाए तो वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो टैन को कॉस इनवर्स बनाने के लिए टैन इनवर्स को थीटा मान लें तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा टैन थीटा, ट्रायंगल बना देंगे तो टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर एक्स हो गया, बेस ये हो गया, तो हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। इससे हम कॉस निकाल सकते हैं, कॉस थीटा हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर देन थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स इतना, मतलब टैन इनवर्स को हम ब्रेक कर सकते हैं कॉस इनवर्स 1 अपान अंडर रूट स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर टैन इनवर्स की जगह पर लिख दिया, इसको थीटा मान लिया तो कॉस थीटा हो गया, ठीक है। अब कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली थी, कितनी आई थी, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर, ये आ गया। अब ये कॉट इनवर्स में आ गया, अब इसको हम अगर थीटा माने ब्रेक करने के लिए तो ये आपकी वैल्यू कॉस थीटा इक्वल टू ये आ जाएगी। अभी कॉट होता है बेस अपान परपेंडिकुलर, तो इससे हाइपोटेनस निकल आएगा, उससे हम साइन निकाल लेंगे क्योंकि साइन आगे दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स में ब्रेक हो जाएगा तो साइन थीटा बचेगा, क्योंकि इसको थीटा माना था, तो साइन थीटा की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यही वैल्यू हमको प्रूफ करनी थी, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, अब मैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जैसे दिया हुआ है टेन इनवर्स 1 बाई 2 टेन इनवर्स 2 बाई 11 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3 बाई 4 प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, फार्मूला यूज करते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का। ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई। एलसीएम लेंगे, सॉल्व कर देंगे, 15 बाई 20 बचेगा, 5 से काट देंगे, 3 बाई 4 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, क्वेश्चन नंबर 7 के आगे आप लगाना स्टार्ट करिए, आसान क्वेश्चन है उसमें।